shit all together. बॉलीवुड एक्टर सलमान खान महंगे एक्टर्स में शुमार हैं और उनकी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस करती है। अब सलमान खान की फिल्म ने रिलीज से पहले ही कलेक्शन के मामले में कैसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जिससे फिल्म इंडस्ट्री भी हैरान है। सलमान खान की फिल्म रेस ने रिलीज से पहले ही 150 करोड़ की कलेक्शन कर ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। दरअसल फिल्म के सैटेलाइट राइट्स को 150 करोड़ में बेचा गया है। पहले इसके राइट्स 75 करोड़ में बिकने वाली थी और सलमान ने भी फिल्म की कमाई और सैटेलाइट प्रॉफिट का हिस्सा लेने का फैसला किया है। ऐसे में फिल्म के प्रोड्यूसर रमेश तुरानी राइट्स घटाने की मूड में बिल्कुल नहीं थे। ये फिल्म सलमान खान प्रोडक्शंस में बन रही है। सलमान खान की फिल्म होने की वजह से इसके राइट्स इतने महंगे बिक रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म टाइगर जिंदा है के राइट 70 करोड़ में बिके हैं, जिस वजह से रेस 3 इस मामले में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।